हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल हाईवेज के बारे में कि इंडिया में नेशनल हाईवेज कितने हैं और किस तरह से इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि आप सब एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे ऐसे काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये नोट्स, क्योंकि ये हम ईजी वे में पढ़ने वाले हैं कि ईजी वे में नेशनल हाईवे हम किस तरह से याद कर सकते हैं, कि किस तरह से हम नेशनल हाईवे को रिमेंबर कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो किस तरह से हम इजीली अटैम्प्ट कर सकें। तो इसको इजी मेथड में देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक लाइन नीचे आएगी और ये होगी, यहाँ से आएगी अमृतसर से, दिल्ली, ये है हमारे पास नेशनल हाईवे 1। इसके बाद देखते हैं दूसरी लाइन जो जाएगी हमारी, वो जाएगी यहाँ से दिल्ली से आगे की तरफ जो कोलकाता तक जाएगी। और इसका नाम है NH2। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट, जो दिल्ली से नीचे की तरफ जाएगी और उसका नाम होगा मुंबई, और ये है NH3। इसके बाद बात करते हैं मुंबई से आगे की तरफ एक लाइन जाएगी जो चेन्नई पे जाके रुकेगी, और इस हाईवे का नाम है NH4। इसके बाद कोलकाता से चेन्नई नीचे की तरफ एक लाइन आएगी जो हमारे पास में है नेशनल हाईवे 5। तो आप देख सकते हैं कितना इजी वे है ये अभी तक का। इसके आगे आगे की बात करते हैं, कोलकाता से एक लाइन जाएगी जो मुंबई होते हुए जाएगी आगे की तरफ, और ये है सूरत। तो कोलकाता, मुंबई, सूरत, ये है नेशनल हाईवे 6। इसके बाद आता है नेशनल हाईवे 7, ये यहां से इनको क्रॉस करता हुआ यहां पर आएगा, और ये है वाराणसी, यहां पर कन्याकुमारी। इस हाईवे का नाम है NH7। इसके बाद बात आती है 8th वाले की, जो दिल्ली से घूमते हुए जाएगा मुंबई, और यहां पर बीच में पड़ेगा जयपुर, दिल्ली, जयपुर, मुंबई। इस हाईवे का नाम है NH8। इसके बाद 10th वाला आएगा जो यहां से इनको क्रॉस करता हुआ नीचे को आता है, और यहां पर यह है आंध्र प्रदेश, यहां पर पुणे, और इस हाईवे का नाम है NH9। तो जो इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं वो आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से मेंशन है। तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, NH7 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, NH3 जो है हमारे पास वो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है,
और हमारे पास में ये जो अमृतसर वाला आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान बॉर्डर से अटैच है। तो ये सब आपको जानना था यहाँ पे कि इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है। काफ़ी इजी तरह से है, अगर आप इसको ध्यान से देखें दो तीन बार तो आप इजीली इसको बना के समझ भी जाएंगे किस तरह से एन एच 1, 2, 3, 4 ईजिली आ सकते हैं। तो अगर आपको ये इजी लगा समझने के लिए तो हमारा प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दीजिए, नीचे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है तो उसको क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप और भी वीडियोज़ ऐसे देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी सारी वीडियोस हैं, काफ़ी सारे नोट्स हैं, उनको भी विजिट कर सकते हैं, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ओके बाय।